बहुजन समाज पार्टी जिला उदयपुर के तत्वाधान में आज बहुजन समाज पार्टी बाम सेफ DS4 के संस्थापक काशी राम जी की 9वीं जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बसपा के उदयपुर जिला प्रभारी सुरेश कुमार मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल रहे तथा विशिष्ट अतिथि लोकसभा प्रभारी जगदीश बाबरिया एवं CP खटीक व सुरेश मेघवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महासचिव होशियार सिंह जाटव ने की। मुख्य अतिथि जगदीश चंद्र पाल ने बताया कि काशी राम जी ने इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया और इस देश के लिए लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए एवं उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए अहम योगदान दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार देश के अंदर अपना परचम लहराएगी और लोकसभा चुनाव में उदयपुर क्षेत्र से मजबूत प्रत्याशी उतार कर यहां से सांसद जीता कर लोकसभा में भेजने का काम करेगी। इस अवसर पर जिला प्रभारी खेमराज कटारा, जिला महासचिव होशियार सिंह, विधानसभा गोगुंदा से प्रत्याशी दलपत जी गरासिया, जिला सचिव मांगेलाल सेन, एडवोकेट मुकेश पवार, महेश पवार, दुर्गेश पलवी पालीवाल, नितिश जनावत, राजकुमार रेगर, दुर्गा शंकर गमेती, प्रकाश गमेती आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे घर से पैदा हुआ जो बहुत ही एक साधारण गरीब परिवार था और जिनका नौकरी तक का जो जीवन जैसा हमारा जीवन होता है वैसे ही उनका जीवन रहा है। ना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसे तैसे उन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, कंपटीशन एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया और वो महाराष्ट्र के अंदर जो विस्फोटक फैक्ट्री होती है अब एनर्जी वाली, उस फैक्ट्री के अंदर वो वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत रहे। तब तक उनका जीवन जैसे हमारा जीवन होता है इसी तरह उनका जीवन भी चला है, लेकिन उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, पहला परिवर्तन उनके अंदर आया उनके कार्यालय में एक घटना हुई। उनके कार्यालय में एक सभी कर्मचारी था जो राजस्थान जयपुर का रहने वाला था, दीना पाना, वाल्मीकि समाज के थे और क्योंकि उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जन्म जयंती है 14 अप्रैल, उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी तो घोषित नहीं की गई थी, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे वो उस दिन बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी रखते थे और अपने घर पे अपने परिवार के साथ उनकी जयंती मनाते। तो दीना बाना ने अपने अधिकारी को कहा मैं 14 अप्रैल को विजिट नहीं हूंगा, मेरी आप छुट्टी ग्रांट करें। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने छुट्टी ग्रांट की, उन्हें भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कौन अम्बेडकर अम्बेडकर छुट्टा लेना चला हुआ है। यूँ करके उनकी जब छुट्टी ग्रांट नहीं की तो वो वहां पर स्ट्राइक में बैठ गए, अकेले कार्यालय के बाहर अकेले स्ट्राइक में बैठ गए। तो अकेले स्ट्राइक में बैठ गए तो उस समय पीके खापड़े और अधिकारी थे उनकी दुकान में, उन्होंने पहले उनका सपोर्ट किया। तो दोनों ने जब स्ट्राइक की तब ये माने और काशीराम जी भी उसी के अंदर अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने देखा भाई, इनसे पूछे भी आप लोग क्यों यह स्ट्राइक कर रहे थे साहब, हम बाबा साहब की जन्म जयंती पर छुट्टी के लिए हमने आवेदन किया लेकिन हमारी छुट्टी ग्रांट नहीं कर रहे थे, हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। फिर माने और काशीराम जी ने भी अधिकारी से बात की कि भाई आप इनको छुट्टी दो। जब अधिकारी ने, मैं बताऊं जब आपके इतने बड़े आसाधन, लेकिन वो उनमें सामान्य गुण भी थे, जब उन्होंने अधिकारी से बात की और अधिकारी जब उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कार्यालय के अंदर अधिकारी की पिटाई कर दी, इतने जोशीली भी थे। जब उनकी पिटाई कर दी तो तीनों ही कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, दीना बन्ना को, पीके खापड़े को और काशीराम जी को। जब इनको तीनों को नौकरी से निकाल दिया तो इन्होंने देखा यार ये इस देश के अंदर बहुत बड़ा वो हो रहा है, जब हम इतने बड़े अधिकारी होते हुए हमारे साथ जब इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, तो जो इस देश के जो दबा कुचला समाज है जिनको हजारों सालों से देश में कुछ नहीं मिला, उनकी क्या स्थिति हो?